भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी सरोपा है, ये चुनावी सरोपा है, ये बागी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2,000 रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2,30,00,000 जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनके पास, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है, भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में न्याय की अटूट निष्ठा और उसके अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, यह गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, यह पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी। और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा, अन्नदाता किसान की खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समस्या होता है। और सरकार इस मामले में ये भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है। लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।